तो वेलकम बैक टू द माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज गाइस। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड वन में देखा था यार, बहुत ही गजब स्टार्ट हुई थी। हम लोगों को लिटरली इतनी गंदी किस्मत मिली कि हमको एक आइलैंड के बीच में छोड़ दिया और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी दिया। बट ठीक है, जो भी हुआ सीन, हम लोगों ने एक बोट बनाया और वहां से निकला और अब हमें एकदम प्रॉपर लैंड में, जहां पर अभी तक हमने गाइस एक केव ढूंढी हुई है अपने लिए, एक नॉर्मल सा बेड जिसको हमने ब्लू डाई किया हुआ है, ठीक है, तो वो रखा हुआ है। आज हम लोगों ने, जो कि मैं तुम्हें लास्ट एपिसोड पे बोल दिया था कि मैं बनाऊंगा एक फार्म, और हमें कैसे भी आज अपने आप को पूरा एक लाइक आर्मर में कवर करना है आयरन के, तो हमें आयरन बहुत सारा ढूंढना पड़ेगा गाइस। और ठीक है, तो आज हमको अगर टाइम मिलता है तो हम लोग एक घर बनाएंगे, वरना एक फार्म और अपने लिए पूरा का पूरा आयरन का सेट तो हमें जरूर बनाना है गाइस। तो चलो गेम के अंदर चलते हैं और आज करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, और बहुत सारे लोग यार चैट में बोल रहे थे कि लाइक डायनेमिक लाइटिंग ऑन करो भाई, डायनेमिक लाइटिंग ऑन करो, उससे लाइक 5 इसके दूर दिखता है। तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ऑन करके देखा और इतना सॉलिड चीज है ना गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसी चीजें मेरे को यार कमेंट्स में बताया करो कि क्या कैसे हम लोग लाइक अपना माइनक्राफ्ट का थोड़ा सा क्वालिटी और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैं मजाक नहीं करूंगा, इस चीज से तो बहुत ही सही हुआ था। तो देखो गाइस, अभी के लिए मैंने वीट सीड जमा करे 64 और 49, जस्ट सो दैट लाइक हम लोग बना सके अपना खुद का फार्म यहाँ पर। और बाकी सब तो तुम्हें पता ही है यार, लास्ट एपिसोड में कि हम लोगों ने इतना सब कुछ आयरन का बना दिया था। अभी हमारे पास 11 आयरन पड़ा है, बट हमें बहुत सारा आयरन और चाहिए, ठीक है। तो यस, ये हमारा बेड है। तो मैं क्या सोच रहा था ना कि हम लोग या तो भी सीधे जाके माइनिंग के लिए जा सकते हैं और आयरन ला सकते हैं, जो कि हमें करना है, क्योंकि हमें कैसे भी गाइस एक आर्मर चाहिए यार इतने डेंजर में, वो भी खुले में, हमारे पास घर तक नहीं है। तो वहाँ पर रहने के लिए हमें एक आयरन का आर्मर तो एटलीस्ट चाहिए होगा यार, मतलब डायमंड वायमंड नहीं भी तो वो चीज़ है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले फार्म बना लेते हैं, जब वो फार्म बन जाएगा तो हम लोग उसमें फार्म में उगा के फिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा गाइस कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, लाइक क्या पता हम लोग जब तक वापस आए तो वीट उग चुकी होगी, लाइक वीट शायद से 3 माइनक्राफ्ट डेज लेती है या 2 माइनक्राफ्ट डेज लेती है, तो इतना तो मेरे को नहीं लगता कि इतना होगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। तो चलो गाइस, हम लोग ढूंढते हैं जगह जहां पर हम अपने लिए पहला फार्म बना सकते हैं। ये एक मैनुअल फूड फार्म होगा, ऐसा कुछ ऑटोमेटिक वाला नहीं होगा, गेम जस्ट स्टार्ट हुआ है और हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं कि हम ये सब चीज़ें कर पाएं। तो मैं सोच रहा यहीं पर अपने लिए एक मस्त सा फार्म बना देते हैं। तो क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा भर देते हैं और यहाँ से लेके, देखो गाइस मैं बताऊँ, यहाँ से ऐसे लेते हुए या फिर और कोने पे एक काम करते हैं, एच से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ की एच से यहाँ पर हम लोग पूरा फेंसिंग कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। तो चलो गाइस, थोड़ा सा पहले सॉइल डर्ट लेके आते हैं साइड से। यार गाइस, मैंने एक चीज़ देखी कि यार जैसे आयरन का जो टूल है ना यार, वो क्या ही तेज़ रफ्तार में काम करते हैं यार। तो मेरे को बस एक बार डायमंड के टूल और नेदरराइट के टूल देखने, कितना तेज़ लाइक ये सब चीज़ों को छू के ही निकाल देंगे मेरे ख्याल से। तो गाइस, हमारे पास 2 स्टैक हो चुका है सॉइल का, सॉरी डर्ट का। तो चलो पहले हम लोग उसको लेवल कर देते हैं और फिर उसी पर अपना एक वो बनाते हैं। और मैंने एक और चीज़ ध्यान दी गाइस, देख रहे हो तुम लोग, ये देखो यहाँ पर शुगर केन्स हैं। तो हम लोग बाद में लगे, हमें पेपर वेपर की कमी भी नहीं पड़ेगी, अगर हमें एक फार्म बनाना होगा हम लोग शुगर केन फार्म्स भी बना सकते हैं। और वहाँ पर देखो वो टर्टल्स भी तैर रहे हैं, अब मतलब फूड वूड की तो इतनी कमी नहीं पड़ने वाली, लेकिन एक अच्छा सा फार्म बन जाएगा तो एटलीस्ट हमारे पास एक एश्योरेंस होगा कि हाँ यार चलो अपने पास कुछ है जो कि काम आएगा। हमें फेंसेस भी बनानी है गाइस, याद रखना। तो यहाँ पर हम लोग अपना फार्म बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको बाहर से लेते हुए आते हैं, यहाँ से लेते हुए आते, देखो ये हाँ बढ़िया। ओके, तो गाइज आई थिंक फाइनली हम लोगों ने इसको बराबर कर लिया, लेकिन हमें जितना एरिया यूज़ करना था उतना एरिया हम बराबर कर चुके हैं। और तुम लोग ध्यान दोगे ना तो ये देखो, ये घास मैंने लगाई नहीं है, लेकिन ये घास में अभी से ग्रीन होना शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा ग्रीन हो जाएगा। वैसे हमें पूरा का पूरा, ये देखो अभी देखा तुम लोगों ने, तो ये पूरा का पूरा लाइक ग्रीन हमको वैसे चाहिए नहीं कुछ ऐसा, बट ठीक है काम आ जाएगा। थोड़ा सा इसको साइड से क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए होगा, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। ओके, तो चलो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लोग अपना फार्म बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा एक दो पेड़ काट के हम लोग अपने लिए फेंसेस बना देते हैं, और उसके बाद उसके अंडर में फार्म बनाएंगे कि कितने एरिया में फार्म बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला और ये वाले 2 ओक के पेड़ हम लोग काट के इसमें से ट्रीज ले लेते हैं, और जल्दी से कुछ ओक फेंसेस बना देते हैं अपने फार्म के लिए। पहले लॉक को यहाँ रख के, और उसके बाद थोड़े बहुत हमको चाहिए होंगे ये स्टिक्स, और फिर ये करके हमने कुछ फेंसेस बना लिए अपने लिए, ठीक है।
तो चलो गाइस, अब यहाँ पर हम लोग फेंसिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि फार्म, हाँ ये कर लेते हैं, ठीक है? इतना बड़ा बनाते हैं कि इसमें काफी कुछ आते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास इतने सारे वीट भी नहीं है, बट ठीक है, वीट का ऐसा कुछ सीन नहीं होता गाइस। आप या तो फिर उगा के भी ले सकते हो, या फिर अगर बाई चांस आपको लाइक ये जो झाड़ियाँ दिखती है ना बड़ी बड़ी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने दिखाया था ना वीट कैसे लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। मुझे थोड़े से और पेड़ काटने पड़ेंगे गाइस, मेरे पास वुड कम है। मैं सोच रहा हूँ कि एंट्रेंस यहाँ पर देते हैं गाइस, यहाँ पर, राइट? और ए वैसे हाँ, एक ही का एंट्रेंस देते हैं, एक काफ़ी है हमारे आने जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक गेट लगा देते हैं। ओके, तो चलो गाइस फटाफट से फेंस गेट बना लेते हैं, ठीक है? देयर वी गो। तो हमारे पास एक फेंस गेट आ गया है। अब इस फेंस गेट को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो ये देखो, तो हमारे लिए लाइक इतना तो हो गया है। अब फटाफट से क्या करते हैं गाइस, सारे के सारे सीड्स हम लोग रख लेते हैं अपनी जेब में, ठीक है? तो सारे के सारे सीड्स हम लोग रख दिए। अब फटाफट से हो से इसको पूरे को कल्टिवेट करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों को वाटर का भी देखना है गाइस, वाटर भी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, एकदम परफेक्ट बना, देखो तो 7 है। तो एक वाटर का जो वो होता है, होल होता है, वो 6 को प्लांट वाटर देता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक डिक कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक डिक कर सकते हैं। तो इन तीन से ही पूरा का पूरा लाइक हमारा जितना भी वो है, जितना भी हमारा फार्म है, वो पूरा का पूरा वाटर देगा। लेकिन गाइज 1 मिनट यार, पहले जल्दी से जाके सो जाते हैं क्योंकि रात हो रही है। और तुम्हें पता है यार, अभी हमारे पास ना आर्मर है ना कुछ है, तो अभी हम लोग बेफालतू के पंगे तो किसी भी मॉब से लेंगे नहीं। हम लोगों को लाइक जितनी कम डेथ हो सके उतनी कम डेथ में जाना है। तो चलो देखते हैं अभी हम लोगों को। ओ, हम लोगों को वाटर के लिए भी गाइस, देखो हमारा 3 और आयरन जाते हुए गाइस यहाँ पर, 1 2 3, हम लोग 3 आयरन रख लेते हैं अपने लिए। तो हम लोग फटाफट से अपने लिए एक बकेट बना लेते हैं गाइस। तो ये बकेट हम लोग लेके आते हैं पानी, और इसके अंदर डालते हैं ताकि चारों तरफ लाइक वाटर है। ओ, इंक सैक पड़ा है यहाँ पर एक, बढ़िया भाई, देयर वी गो, ठीक है? तो ये वाटर हो गया। अब जल्दी से फटाफट से सारा का सारा एरिया को हो कर देते हैं। ओके, तो गाइज मैंने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर दिया है। जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे डर्ट वापस आने लग गया है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा और आगे को खोदना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि लाइक वाटर थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो ये जो एरिया है ये भी अगर हम हो करेंगे तो ये दोबारा से डर्ट नहीं बनेगा, और ये प्रॉपर ऐसा लाइक लगाने लायक हो जाएगा आई गेस। तो 1 2 3 4, तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि देखो फिर सिमेट्रिकल बनाते हैं थोड़ा सा। 4 इस साइड से छोड़े हैं, तो 4 इस साइड से भी छोड़ते हैं, 1 2 3 4। तो एक और यहाँ पर होल बना लेते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर का सोर्स तो बनाया था, तो हम लोग यहाँ से पानी निकाल सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमको लाइक पानी कम लग रहा था कि बराबर सीमलेस लगे, देखो अभी एकदम बराबर लगे। तो चलो गाइस अपना सारा का सारा लाइक सीड लगाना शुरू करते हैं। एडवांसमेंट मेड अ सीडी प्लेस। ओके चलो गाइस, तो सारा का सारा वीट हम लोग यहाँ पर लगा देते जल्दी से। ओके, तो जैसे कि मैं तुम लोगों को बता रहा था यार कि मतलब एक फार्म होना यार कितना सही लगता है। मेरे को डर लग रहा था कि मेरे पास सीड्स कम पड़ जाएंगे, बट एक्चुअली मेरे पास 15 सीड्स एक्स्ट्रा ही हो गए, तो ये अच्छी चीज़ है। अब मैं ये चीज़ भी सोच रहा था कि यहाँ पर ना बीच में एक, हाय हाय, ये देखो गाइज मैंने तुम लोगों को बताया था ना, अगर तुम लोग इस पर जंप कर देते गलती से तो क्या होता है। अब मैं क्या सोच रहा था गाइज, मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि लाइक जब बीज अगर बाई चांस आपके लाइक इसके आसपास रहती हैं, तो वो इनमें पॉलन ग्रेन्स गिराती है और ये जल्दी उगते हैं। लाइक मैंने तुम्हें बताया ना, 3 दिन लगते हैं एक उसको उगने में। ओके, मैं कहाँ गिर गया था? तो यस, तो 3 दिन आपको लगते हैं लाइक इसको उगाने में। ओ गाइज, ये मेरा गेट थोड़ा सा अजीब सा लगा है, तो ये गेट को भी थोड़ा सही कर देते हैं, बराबर में कर देते हैं, ठीक है? तो जो हमारा फेंस गेट है उसको हम लोग यहाँ पर लगा दें, 1 2 3, तीन फेंसेस इस साइड, तीन फेंसेस इस साइड। ओके, यहाँ वाली फेंस भी मेरी जेब में है। ओके नाइस, तो देखो गाइस कितना सही लग रहा है यार दिखने का। वैसे मेरे पास बर्च पड़ी हुई थी क्या? मैं सोचा था फेंस गेट थोड़ा सा अलग होता तो दिखता, मेरे को देखो गायब हो गया एकदम, कैमोफ्लाज आ रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग अपनी गाइस फसल उगने का इंतजार करेंगे। तो हम लोगों ने गाइस एट लास्ट अपना पहला फार्म बना लिया, इतना खुशी सी हो रही है ना, एकदम प्यारा सा फार्म देख के। तो हाँ, तो मैं ये चीज़ बोला था, अगर मेरे को बाई चांस कुछ बड़े बड़े से लाइक वो दिखेंगे ना, फूल वूल दिखेंगे, तो मैं यहाँ पे फूल लगा दूंगा चारों तरफ। ओ वो देखो गाइस, हमारी फसल थोड़ी थोड़ी उगने भी लग गई है भाई, ओपी यार, जल्दी हो जाएगी। तो गाइस चलो अब हम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को पता है, अब हम लोगों को जाके उस केव में ढेर सारा आयरन लेके आना है, ताकि हम लोग अपना एक पूरा का पूरा आर्मर बना सके आयरन का। और मेरे को किसी ने लास्ट वाले वीडियो के कमेंट में बोला था कि आपको कम से कम 24 आयरन इंगेट तो चाहिए रहेंगे, तो हमारे पास सिर्फ 8 है।
तुमको 16 और चाहिए, तो चलो गाइस चलते हैं और जाके लेके आते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास सारा सामान है अभी लाने के लिए। मैं एक बस बकेट को इधर रख देता हूँ क्योंकि बाई चांस खो गई थी। एक्चुअली बकेट को रख लेते हैं और बकेट में वाटर रख लेते हैं। अगर हम किसी हाई प्लेस से कूदे तो हम लोग थोड़ा सा वाटर का यूज़ करके भी नीचे गिर सकते हैं। जैसे कि सब लोगों को पता है आई एम अ प्रो ग्रेमर, तो वो भी होता रहेगा। तो चलो मेरे पास, मैं अच्छा ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी वो है, लेकिन मैं थोड़ी सी और बना ही लेता हूँ क्योंकि हमारे पास पिकैक्स की कमी नहीं है। तो 25 वो लेके चल रहे हैं हम लोग अपने पास अभी। और ये देखो, किसी ने बोला कि भाई अपना डायनेमिक लाइट ऑन कर दो, तो ये देखो डायनेमिक लाइट से क्या हो रहा है। देखो मेरे हाथ में है जबकि, और तब भी इतना दूर दूर तक मेरे को क्लीन दिख रहा है, जबकि अगर मैं इसको अपने हाथ से हटा दूँ तो ये देखो इतना अंधेरा है गाइस। और अगर मैं इसको अपने हाथ पे रख दूँ तो मेरे को इतनी दूर तक क्लियर दिख रहा है, और मुझे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही है भाई ये क्लियर दिखने के साथ साथ। ओ भाई भाई भाई, ये तो ऊपर से ही आ रहे हैं इसे। देखो थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं। आए हाय, तो हमको आयरन। ओ भाई 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 भाई, भाई। ओ भाई साहब भाई, ओ भाई कम से कम नहीं 8 आयरन तो हमको यहीं पे। ओ भाई साहब नीचे भी आयरन है भाई, क्या ही किस्मत यार गाइस। 9 आयरन और एक जगह से, एक छज्जे से मिल गए। मेरे ख्याल से यहाँ पर नीचे और नीचे। ओके ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे ग्रेवल लेवल दिख रहा है मेरे को। तो लास्ट टाइम हम लोग उधर गए थे, वहाँ पे एक एंडरमैन मिला था। मेरे को वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं क्या अभी इस बार एंडरमैन मिला था, अभी क्या मिलेगा किसको पता यार। ओके तो चलो थोड़ा सा और चलते हैं आगे को करते हैं। ओह यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, देखो मैंने टॉर्चेस लगाए हुए हैं गाइस। ओह हमारा फूड नहीं है गाइस, शेट मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो गाइस ये होता है लापरवाही का नतीजा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे पास फूड ही नहीं था। ठीक है तो चलो एक बार पहले बाहर चलते हैं और कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं और वापस आते हैं गाइस। यार मैंने कुछ चिकन्स तो देखे थे, तो उनको मारना ही पड़ेगा यार अभी, जब तक हमारा लाइक खेत में कुछ उगता नहीं है। लेकिन क्या मैं अपने, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कुछ भी सामान था। देखो मेरे को या तो फिर वो भेड़ को मारना पड़ेगा, और ठीक है मेरे पास फूड में एक रॉटन फ्लैश है अभी के लिए, मैं रॉटन फ्लैश खा लेता हूँ। ठीक है अपना घास को उगने में, सॉरी अपनी वीट को उगने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। चाहे देखो ओके, अरे अरे भाई भाई भाई, भाई। ठीक है चलो देखते हैं, गाय ही गाय है चारों तरफ। भाई दूध का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्चुअली दूध हम पी सकते हैं, सब क्योर हो जाता है भाई दूध से, मस्त मजा। थोड़ा सा और दूध दोगी माता भाई, मजा भाई। चलो गाइस शहीदी टाइम्स भाई, बुरा लगा भाई, झूठ बोला, बिल्कुल बुरा नहीं लगा भाई। मैं एकदम इस गेम को खेलते खेलते मैं ऐसा हो चुका ना निर्दयी एकदम, मतलब भाई सर्वाइवल के लिए कुछ भी भाई। अरे भाई एक और केव है, ओ भाई गाइस हमें एक और केव मिल गया है, और हमें थोड़ा सा फूड भी मिल गया है। वैसे हमको वापस जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कोल दिख रहा है, तो तुम्हें पता है तुम्हारा भाई जहाँ कोल दिखता है वहाँ घुस जाता है भाई। तो थोड़ा सा कोल ले लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे है क्या ऐसा यार। ओ भाई ये तो बहुत डीप है, रुको यहाँ से खोदते हैं। ओ शिट, ओ ये तो रवीन है पूरी। ओ भाई यहाँ तो हमें डायमंड्स भी मिल सकते हैं गाइज। शिट भाई लेकिन ये बहुत डेंजरस होगी, जब तक हमारे पास गाइज आयरन का थोड़ा आर्मर आर्मर नहीं होगा, मैं तो यहाँ नहीं जाने वाला, यहाँ बहुत सारे मॉब्स होंगे नीचे। तो मैं अभी के लिए यहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम लोग उस वाली केव में जाके पहले डायमंड्स ले, सॉरी डायमंड्स बोला, पहले आयरन का एक आर्मर बनाएंगे मस्त सा, और उसके बाद यहाँ पर वापस आके इन सारे मॉब्स से हम लोग जितना भी यहाँ का माल डाला वो पूरा का पूरा लेंगे गाइस। मैं गाइस क्या करने वाला हूँ ना, मैं इस जगह पर एक लाइक गेट टाइप का बनाने वाला, थोड़ा सा ऊंचा सा, ताकि मेरे को दिख जाए। देखो हमारा हमारा फार्म वहाँ है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक और सा ये लगाने वाला हूँ, ताकि मेरे को दूर से दिख जाए पिछली अगली बार, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार चीज़ें, मैं गायब जाती चीज़ें, तो मैं ये कर लेता हूँ। और बाकी तुम्हें पता है हम लोगों ने वाटर बकेट क्यों लिए, ये देखो गाइस ठीक है बिल्कुल भी डैमेज नहीं, तो दूर से हमको दिख जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार ऐसा डर्ट कोई ऐसा हवा में तो रहता नहीं है। तो एक डर्ट का टावर बना दिया, अब हमें पता है कि हमें वहाँ जाना है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त प्लेस है, तो हमको वहाँ तो जाना ही जाना है। पहले फटाफट से यहाँ पर हम अपना एक चिकन रख लेते हैं, वो चिकन हाथ पे लेके रॉ मटन यहाँ पर रख के छोड़ देंगे, और आयरन ओर भी यहाँ पे छोड़ के जाएंगे गाइस। हमें अभी भी बहुत सारा आयरन ओर चाहिए, अगर हम लोगों को अपने आप को कवर करना है पूरा का पूरा आयरन में। और हमको यार एक विलेज भी ढूंढनी है, मेरे को लग तो नहीं रहा यार गाइस आसपास कोई भी विलेज है, लेकिन हम लोग फिर भी एक खोज के लिए निकलेंगे। अगर हमें वो विलेज नहीं मिलेगी तो हम लोग यहीं पर अपना घर बनाएंगे पहला, और फिर धीरे धीरे करके निकलेंगे लाइक अपने एक्सप्लोरिंग में निकलेंगे। थोड़ा सा पानी के थ्रू भी जाएंगे, हमारे पास बोट है ही, तो हम लोग थोड़ा पानी के थ्रू भी हो सकता है गोल घूम के जाएँ, क्या पता गोल घूम के मिल जाए। तो चलो देखते हैं, अपना चिकन तो पक चुका है मस्त, इसमें रॉ मटन रख के सो जाते हैं गाइस, क्योंकि तुम्हें पता है बिल्कुल भी हम लोगों को अभी रिस्की नहीं खेलना है गाइस। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले रिस्की, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट विद यू। ओके तो चलो गाइस हमारा खाना वाना तो पूरा पक चुका है,
और अब सीधे निकलते हैं माइन की तरफ को और ढूंढते हैं थोड़ा सा आयरन, ताकि हम लोग अपने आप को कवर कर सके उस आयरन आर्मर में और जा सके उस खतरनाक रिवीन के अंदर। ओ माय गॉड, ओ भाई भाई, ओ भाई, ओ भाई, दो दो। अरे भाई हमसे क्या पंगे लोगे भाई, हमारे पास आयरन की स्वॉर्ड है यार, इन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास आयरन वायरन का सामान है, दो मिनट में ऐसा कर देंगे ना साफ भाई। चलो गाइस, मैं क्या सोच रहा हूँ कि स्ट्रिप माइनिंग करी जाए यहाँ पर, ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके नाइस, हम लोग चेक कर सकते हैं। 45 पे गए, हम लोग 45 लेवल पे हैं, ठीक है। ये सब रिसोर्सेज का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तो अभी और नीचे जाना चाहिए, लेकिन आयरन यार किसी भी लेवल पे तुम लोगों को इजीली मिल जाता है, तो मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। एक मिनट रुको, ये कहाँ से आ गई भाई? ओ भाई ग्रेवल और डर्ट ही है इधर तो। वो फ्लिंट भी पड़ा है गाइस आगे थोड़ा सा, चलो फ्लिंट ले लेते हैं गाइस। जिसको नहीं पता फ्लिंट एंड स्टील आग लगाने के बहुत ज़्यादा काम आता है, तो चेक कर लेते हैं। मुझे पता है मैं स्ट्रिप माइनिंग एकदम गलत कर रहा हूँ गाइस। ओह यस, लेट्स गो गाइस, भाई स्ट्रिप माइनिंग डन राइट गाइस। और एक प्लीज़ एक ना मिले बस यार, बेइज्जती हो जाएगी बड़ी। चलो ठीक है, कम से कम तीन तो मिले गाइस। ओ भाई साहब, तीन नहीं भाई, ये तो बहुत सारे हैं। शिट, बढ़िया भाई बढ़िया। ओ भाई भाई, एक एक्स्ट्रा और है क्या ऊपर? नहीं नहीं और नहीं है, ऊपर एक एंडी साइड दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास 16 आयरन हो गया। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि हमें दिखता रहे कि हमारे पास कितना आयरन हो रहा है, ठीक है। ओह यस गाइस, थोड़ा सा और आयरन मिला, यस। मेरे ख्याल से इस आयरन के बाद तो हम लोग अपने लिए लाइक आर्मर बना ही सकते हैं, अगर उस भाई ने सही बोला होगा कमेंट में कि हमें कम से कम 24 आयरन इंगेट्स चाहिए होंगे पूरा का पूरा आयरन आर्मर में कवर होने के लिए। हमारे पास 25 हो चुके हैं, तो चलो गाइस घर चलते हैं और फटाफट से देखते हैं कि क्या हम लोग बना सकते हैं अपने लिए एक आयरन आर्मर आखिरकार। गाइस एक बार इससे ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है एक्चुअली। ये भी शायद से, हाँ ये भी सेम जगह पे ले गया, नाइस है। चलो गाइस, तो हम लोगों को बाहर का रास्ता थोड़ा, ये वाली गेम में मेरे को पता नहीं कैसे थोड़ा सा आइडिया सा हो गया कि कहाँ पर क्या है कैसे जाना है, तो ये गेम थोड़ी अपनी सी लगती है, लेकिन वो रवीन बहुत डरावनी सी है, वहाँ पर हम लोगों को बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, सारा का सारा आयरन रख देते हैं यहाँ पर, और जितना आयरन यहाँ पर है ये भी अपनी जेब में रख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम लोगों को अब क्रिएट करना ही है, क्राफ्ट करना है थोड़ा। ये देखो गाइस, हमारी फसल एक बार के लिए यहाँ पर उगने लग गई है, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो जब तक ये आयरन गाइस हो रहा है ना, एक काम करते हैं, पहले तो यार इसके ना यहाँ पर दोनों साइड पे, अरे यार इसके ना दोनों साइड पे हम लोग ये कर लेते हैं कि लाइटें लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर अंदर मॉब स्पॉन ना हो। वैसे मेरे पास एक और आइडिया है, एक और चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे, लाइक जब हमें लाइक सजाने में जाने का थोड़ा सा टाइम होगा हमारे पास, तब करेंगे। अभी एक्चुअली हम लोग लैंटर्न भी नहीं बना सकते ना, उसके लिए लैंटर्न भी चाहिए होंगे यार, मैं ध्यान में नहीं रहा ये चीज़, लेकिन हमें लैंटर्न भी चाहिए होगा इस चीज़ के लिए। तो अभी के लिए ये कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लाइट वाइट लगा दी है चारों तरफ अपने उसमें। और एक बार फटाफट से गाइस क्या करते हैं ना, जो चीज़ मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोली थी कि अगर बीज हमारे फार्म के आसपास रहेंगी तो थोड़ा सा लाइक हमें फ़ायदा होगा, तो देखो मेरे को एक बी दिखी है उधर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग एक दो पेड़ अपने, ये देखो गाइस एक पूरा हनी नेस्ट, लेकिन यहाँ से मैं इसको निकाल नहीं सकता यार गाइस। ये एक तो हम पे अटैक भी कर देते, देखो इसमें से ड्रिप हो रहा है भाई, इसमें बहुत सारा वो होगा, लेकिन हम लोग अभी इसमें हाथ वाथ नहीं मार सकते, अगर हमने मार दो वो हमें मार देंगी। तो चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए थोड़े से फ्लावर्स ढूंढते हैं जो ये देखो गाइस, ये देखो किस्मत, देखो गाइस मज़ा आ गया भाई, मैंने बोला फ्लावर्स ढूंढते ऐसे, नहीं 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 गाइस ये तो फ्रॉड है भाई, ये गेम फ्रॉड कर दिया भाई मेरे भाई। कितने सारे हनी नेस्ट हैं, काश मैं पूरे के पूरे ले जा पाता अपने साथ, बट मैं नहीं ले जा सकता। ओ यस गाइस, मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं नहीं भाई, गेम बहुत अच्छा भाई। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये देखो भाई, ये हमको ले जाने, ये हम चारों तरफ अपने फार्म के लगा देंगे और फिर कुछ बीज को ले जाएंगे, तो गाइस वो बिल्कुल एकदम जैसे बोन मिल होती है उसकी तरह काम करेगा, और हमारी जो फसल होगी वो बहुत तेज तेज होगी। एक बार थोड़ा सा और घूमते हैं जब तक हमारा वहाँ पे आयरन, क्योंकि अभी जमा ही हो रहा होगा, तो एक बार पूरा का पूरा यहाँ पे घूमते हैं और देखते हैं कि क्या हमें थोड़े और फ्लावर्स मिल सकते हैं ऐसे। ओह यस गाइस, देखो सामने तो हमको थोड़े से और फ्लावर्स मिले, नाइस है यार, थोड़े से पिंक फ्लावर, थोड़े से रेड फ्लावर्स, एकदम प्यारा सा दिखेगा हमारा ये क्या कहते हैं, एकदम नया नया फार्म। तो जितना मिला गाइस उसमें खुश रहते हैं और जल्दी से चारों तरफ अपने इसके लगा देते हैं, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे पास कितना, ओह ये देखो गाइस, ये लास्ट स्टेज में, इसके बाद सीधे हमें वीट मिलेगा, मज़ा आ गया यार, कुछ तो उग रहा है गाइस, ठीक है। तो ये करते हैं कि हर दो इनको छोड़ के एक लगाते हैं, ठीक है, मुझे पता है तब भी कम पड़ेगी, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं गाइस, ठीक है। दो छोड़ के एक लगाते हैं, दो छोड़ के एक, नाइस है, दो छोड़ के एक और दो छोड़ के
नहीं यार ये तो यहाँ पर तो एक्चुअली हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको निकालते हैं, इसमें इस जगह पर थोड़ा सा अच्छा सा दिखने के लिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा गेट का भी, देखो मैंने बोला था ना गेट एकदम कैमोफ्लाज हो गया, थोड़ा सा कैमोफ्लाज नहीं होगा, थोड़ा सा प्यारा सा दिखेगा और ज़्यादा। ठीक है तो सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पर भी दो छोड़ के एक और बाकी के भी लगा देते घास यहाँ पर, थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। ओके दो छोड़ के एक यहाँ पर और दो छोड़ के एक यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गाइस। मेरे को लगा था कम बढ़ जाएंगे बट इट्स परफेक्ट, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं हो पाया बट कोई बात नहीं। तो ये ट्री को उगने देते हैं यहाँ पर, हम लोग को थोड़ा बोन मील लगेगा, मैं हो सके तो रात को कुछ स्केलेटन्स को मार, ओ हमारे पास थोड़ा सा बोन तो है, तो हम लोग इससे एक बोन मील तीन बोन मील बना के उसको बड़ा कर सकते हैं। भाई क्या ही किस्मत है यार, मेरे को पता नहीं था मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा हुआ है। ये लो भाई भाई ये, लेकिन ये क्या ओपरी हो गया है, चलो कोई नहीं फिर अब इसकी सफाई कर देते हैं ठीक है, ताकि हम लोग अंदर को जा सकें। तो ये रहा गाइस, ये हमारा ओक ट्री भी हो गया यहाँ पे, मतलब बंजर सा ओक ट्री हो गया है ठीक है। तो ये हमारा ओक ट्री भी हो गया है, और इसमें देखो क्या भाई परी लग रहा है भाई, तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ, भाई मजा आ गया ठीक है। तो अब हमारे पास ओक ट्री भी हो गया, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड तक गाइस हमें यहाँ पे कुछ हनी बीज भी दिखे। अब मेरे ख्याल से सारा का सारा आयरन अभी तक का स्मेल्ट हो चुका होगा, बिल्कुल सही। अब चलो गाइस फटाफट से अपने लिए पूरा का पूरा एक आर्मर बना लेते हैं। तो ये रहा हेलमेट, ये रहे लेगिंग्स, अब बनाते हैं चेस्ट प्लेट, कैसे बनती थी, हाँ चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, और लास्ट चीज़ होगी गाइस क्या हम लोगों के लिए लेगिंग्स। अच्छा मैंने लेगिंग्स पहले बोल दिया राइट। तो ये लो गाइस, तो हमारा पूरा का पूरा आयरन आर्मर तैयार है, जल्दी से एक बार इसको लगा लेते हैं पूरा का पूरा। भाई साहब देखो गाइस क्या ही लग रहे हैं गाइस, मज़ा आ गया यार, अब हम लोग फुल प्रोटेक्शन के साथ है। तो अभी हम लोग बस हाथ में स्वॉर्ड लेके किसी के भी ऊपर चल पड़ेंगे। एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए टॉर्चेस हटा के शील्ड लगाते हैं, ये देखो गाइस। तो भाई सेकंड एपिसोड तो काफ़ी प्रोडक्टिव निकला हम लोग के पास, पूरा का पूरा अब आयरन आर्मर आ चुका है एकदम खतरनाक वाला। तो अब आएगा मज़ा हम लोगों के पास, प्लस एक आ चुका है फार्म, और मेरे ख्याल से फार्म में अगर हम थोड़ी देर रुकते हैं तो हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा इस फार्म में क्या क्या हो गए और कितना कितना लाइक क्वांटिटी में हो गया है, तो वो चीज़ भी हम लोग देंगे। तो भाई इतना प्यारा सा हमारा फार्म बन चुका है, और हमारे पास ऊपर से आ चुकी है ये देखो गाइस पूरा आयरन का आर्मर। अब हम लोग अगले एपिसोड में गाइस उस रवीन में भी जाके देखेंगे, और ट्राई करेंगे कि अगर हमें कोई फार्म सॉरी कोई विलेज मिल जाए, हम लोग निकलेंगे पानी के रास्ते से भी और पीछे के रास्ते से भी, तो हम लोग ये भी करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है यार माइनक्राफ्ट की सीरीज में। और ऐसे ही जैसे कि आप लोगों ने यार ये डायनेमिक लाइटिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, ऐसे ही कुछ माइनक्राफ्ट के टिप्स अगर आपके पास हो तो यार बता देना थोड़ा कमेंट्स में, अच्छा सा लगता है, थोड़ा प्यारा सा लगता है। तो यस, और आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही है यार, प्लीज़ शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब कर दो यार, लेट्स ट्राई कि 10,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग इस ईयर के एंड तक का कैसे भी कर लें यार। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अगर इस ईयर के एंड तक का हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स कर लेते हैं। और इस वीडियो में 2,000 लाइक्स तो करवा दो यार, फिर कैसे भी, क्या बोलते हो? ठीक है तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I hope you guys enjoyed. Like, share and subscribe the content, boys. Bye bye.